हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खूबसूरत सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। हाय पाइसीज फ्रेंड्स, अगर आपका सन साइन, मून साइन या लग्न राशि मीन राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपके सामने आएगी आपके लिए मैसेजेस लेकर आ सकती है। और आज हम देखते हैं कि डिवाइन इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं, सबसे ज़रूरी इस वक्त आपके लिए क्या जानना है। सो पाइसीज, आप अपनी लाइफ में अभी तक अगर किसी चीज़ को डिनाई कर रहे थे, किसी चीज़ को आप अवॉइड कर रहे थे और उसका सामना नहीं करना चाह रहे थे, आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे ये इंसान या ये काम एग्जिस्ट ही नहीं करता, या हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स को डिनाई कर रहे थे, अपनी खुद की इमोशंस को आप जो है नकार रहे थे बस, और आप ऐसा सोच रहे थे कि इसके बिना ही आप आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि ये आपको चैलेंजिंग लग रहा था। आपको पता तो था कि आपको किस चीज़ को यानी कौन से थ्रेशोल्ड को आपको क्रॉस करना है, कौन सी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपको आपकी ग्रोथ देगी, ठीक है, लेकिन आप किसी ना किसी वजह से, क्योंकि वो आपको चैलेंजिंग लग रही थी, आपको ऐसे लग रहा था कि वो बहुत मुश्किल काम है, तो आप उसे जो है अवॉइड कर रहे थे। तो अब वक्त आ गया है उस पर ध्यान देने का और अब जो है आपको, जैसे आप अब आपकी खुद की इच्छा होगी कि आप उस काम को करें। और यहाँ पर जैसे आप ये नहीं चाहेंगे कि कोई और आके आपकी मदद कर दे या कोई और आकर के आपके लिए आपका काम कर दे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं, अब आप मैच्योर्ड बन रहे हैं, आपको ईश्वर जो है गाइड कर रहे हैं आपकी ग्रोथ की तरफ, मैच्योरिटी की तरफ। और यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा, सेक्रल चक्रा एंड हार्ट चक्रा ओपन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखिए, आपके लिए जो कार्ड आ गया है स्टॉर्म का, ये कुछ ऐसे टावर की कार्ड की तरह है। तो जैसे ही आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे जो आप अभी तक अवॉइड कर रहे थे, अब कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे कि आप उन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी रिश्ते को भी अवॉइड कर रहे थे, किसी काम को बहुत ज़रूरी था जो आपके लिए, उसे आप अवॉइड कर रहे थे, शायद वो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, तो अब आप और अवॉइड नहीं कर पाएंगे। आपको एक ऐसे पॉइंट पर लेकर आएंगे डिवाइन जब आपको उसे देखना ही पड़ेगा, उसकी ओर अटेंशन देना ही पड़ेगा। और ये जो स्टॉर्म, जब आप कुछ ऐसी चीज़ का सामना करते हैं जहाँ पर आप जानते हैं कि वो चैलेंजिंग है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप लेते हैं, तब बहुत अनकम्फर्टेबल फीलिंग होती है क्योंकि चीज़ों को फिर सेटल डाउन होने में वक्त लगता है। और अगर आपने अभी तक इस स्टॉर्म को अवॉइड किया था, आप शायद उस काम को या उस रिश्ते को, उस इंसान को इसलिए अवॉइड कर रहे थे क्योंकि आपको पता था कि जब भी आप उसकी ओर देखेंगे, उसको अटेंशन देंगे और उस काम को करेंगे, तो एक बड़ा सा टावर मोमेंट आएगा, यानी बहुत बड़ा कुछ तूफान आएगा जिसका सामना आपको करना पड़ेगा। और शायद इसी वजह से आप टाल मटोल कर रहे थे और एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे। और ये खुद के लिए भी हो सकता है फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप खुद को बैक सीट पर रख कर आगे बढ़ रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि अगर अपनी इच्छाओं पर ध्यान दिया, अपने ऊपर ध्यान दिया, तो बहुत बड़ा कुछ टर्बुलेंट एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बवाल हो जाएगा, तो इसलिए शायद आप अभी तक अवॉइड कर रहे थे। लेकिन आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आप अवॉइड मत कीजिए क्योंकि इसी स्टॉर्म से ही कुछ नया क्रिएट होने वाला है। देखिए, वूम का कार्ड आया है तो कुछ नया क्रिएट होगा वूम से ही, अगर हम कहें कि गर्भ से ही न्यू क्रिएशन का जन्म होता है, कुछ नया जन्म लेता है। तो जब तक आप अंधेरे में नहीं जाएंगे, तब तक आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और जो नया क्रिएट होगा, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशी लाएगा क्योंकि मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे जो प्लेजर, जो एन्जॉयमेंट
आप अपनी ज़िंदगी में फ़ील नहीं कर पा रहे थे, यू नो, एक फीकी ज़िंदगी जी रहे थे, शायद कंफर्ट जोन में चले गए थे। आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं अगर कुछ चीज़ों को अवॉइड करके जी सकता हूँ या जी सकती हूँ तो बेटर है, ना कि हर चीज़ का सामना करके और इतने बड़े एक तूफ़ान को आने का अंदेशा दूँ। लेकिन अगर इस तूफ़ान का आप सामना कर जाते हैं तो कुछ नया, कुछ न्यू बिगिनिंग होगी आपकी ज़िंदगी की, कुछ नया क्रिएट होगा जो अंधेरे से ही होगा। इस अंधेरे को आपको क्रॉस करना है। तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो आप लोग मीन राशि के हैं, आप लोग किसी रिश्ते को अवॉइड कर रहे हैं, या फिर आप खुद को अवॉइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस स्टॉर्म को क्रॉस करेंगे, जैसे ही आप खुद को चूज़ करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, आपको डिवाइन हेल्प करेंगे एक न्यू क्रिएशन के लिए, और आप इस अनकंडीशनल लव को फील कर पाएंगे। अगर आप खुद से दूर जा रहे थे तो आप अपने अंदर ही इस अनकंडीशनल लव को फील करेंगे, और जैसे डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी की बैलेंसिंग को महसूस करेंगे। और जब आपके अंदर ये एनर्जी बैलेंस हो जाती है फ्रेंड्स, तब आप अपनी ज़िंदगी में भी डिवाइन प्यार को अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो कुछ ऐसी मर्जिंग का टाइम चल रहा है आपका, जब आप बैलेंस में आ रहे हैं, आपको बैलेंस में लाया जाएगा इस स्टॉर्म के थ्रू ही। इस स्टॉर्म को आप अवॉइड नहीं कर सकते। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप इतना याद रखिए कि जब तक आप इस स्टॉर्म को फेस नहीं करेंगे, जब तक इस अंधेरे को फेस नहीं करेंगे, तो आप उस नई रोशनी में नहीं आ सकते, और तब तक आपको आपका डिवाइन प्यार नहीं मिल सकता, या आप अपने अंदर उस प्यार को फील नहीं कर पाएंगे। तो अवॉइड मत करिए। आपको बहुत इम्पॉर्टेंट संदेश आज डिवाइन का है मेरी रीडिंग के थ्रू, कि जो भी आप जानते हैं कि आपको उसे फेस करना है, आपको उससे भागना नहीं है, चाहे आप खुद से भाग रहे हों, चाहे किसी और इंसान से भाग रहे हों, हेड ऑन फेस करिए और स्टॉर्म से डरिए मत, क्योंकि स्टॉर्म बहुत छोटे वक्त का होगा और उसके बाद जो एनर्जी आने वाली है वो बहुत खूबसूरत है, और वो आपको जैसे पल पल आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगी, प्यार की एनर्जी लेकर के आएगी, और आपके लिए डिवाइन लव वेट कर रहा है। तो थैंक यू पाइसीज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनी।